दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, मेरे साथ जीएसटी के जाने माने नाम राजेंद्र अरोड़ा, जीएसटी की राह में। ठीक है, थैंक यू। आज सर बात करेंगे, बहुत इसमें बहुत रायता फैल रखा है, उस रायते को आज समेटने की कोशिश करेंगे और उसको ऐसे परोसने की कोशिश करेंगे कि जो 9 और 9C का ये मार्केट में एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चलता है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ज्ञान आज की डेट में लोग हमें तो देखते नहीं है, बहुत कम लोग देखते हैं, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत ज्ञान फैल रहा है और उस ज्ञान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हर का अपना ज्ञान है, व्यू है, अपना व्यू है। मैं किसी को काउंटर नहीं कर सकता हूँ, सबका अपना, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जरा टेक्निकल हो जाए और लॉ के हिसाब से आप मुझे पहले ये बताएं कि ये जो 9 और 9C था इसकी लास्ट डेट क्या थी, पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम सिलसिलेवार ढंग से क्वेश्चन लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे राजेंद्र अरोड़ा जी के थ्रू, जो कि जीएसटी के जाने माने नाम हैं, उन्हीं से समझेंगे। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। सामने है सर, सर मुझे बताएं 9C और 9 में लास्ट डेट क्या था पहले। थैंक यू हिमांशु जी फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। और जो पहला सवाल है आपका कि भी 9 और 9C की लास्ट डेट क्या है, वो बेसिकली 31 जनवरी 2020 थी। डिफरेंट डेट्स पे बहुत बारी एक्सटेंड हुई, अगस्त हुई, फिर नवंबर हुई, फिर दिसंबर हुई, तो फिर जनवरी हो गई। तो 31 जनवरी 2020 लास्ट डेट थी। 31 जनवरी को भी डिपार्टमेंट ने उसको स्टैगर्ड वे में एक्सटेंड कर दिया, तो कुछ मूवमेंट में, हाँ लास्ट मूवमेंट पे, रात को 9 बजे करीब, 10 बजे के करीब, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 तारीख, 5 तारीख और 7 तारीख, जैसे आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि 3B की डेट भी जो है 20, 22 और 24 हो गई अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स। सिमिलरली उन्होंने इस बार भी इसको ध्यान में रखते हुए कि सारा ट्रैफिक जो है एक बार पोर्टल पर ना आए, इसलिए 9C की भी डेट को इन्होंने स्टैगर्ड वे में कुछ स्टेट्स के लिए 3 कर दिया, दिल्ली के लिए 5 है, बाकी कुछ स्टेट्स के लिए 7 है। कहने का मतलब है कि हमारा सर्वर कमजोर है। सर इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है जी। मैं तो ये हमेशा बोलता हूं कि आप अपना घर ठीक करने की बजाय पूरी इकोनॉमी को, पूरी सोसाइटी को सफर करवा रहे हैं, आप अपने पोर्टल को ठीक कीजिए। और मैं हिमांशु जी इस बात से बड़ा हैरान हूं और शुभ भी हूं, परेशान भी हूं। We are one of the largest country of exporting software in the world and we do not have our home corrected even. अपने घर पे एक सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें सिर्फ 110 लाख लोग यूजर हैं, उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारा घर ठीक नहीं है, ठीक करने की कोशिश करेंगे, जरूर करते तो रहेंगे। आईटी के नहीं, इसलिए उसमें कुछ ज्यादा कमेंट भी नहीं कर सकते। चलिए दूसरी चीज कहते हैं कि अगर 9 और 9C जो ड्यू डेट था प्रिस्क्राइब, अगर उसमें हमने फाइल नहीं की तो क्या होगा, उसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। हर का अलग अलग इंफॉर्मेशन है, अलग अलग सेक्शन कोड है, उस पे जरा मुझे बहुत क्लियर, कोई कंफ्यूजन ना हो, एकदम टू द पॉइंट। टू द पॉइंट बताते हैं मानशु जी, ये सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा आज की डेट में मार्केट में, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि भाई 9 9C की डेट है, मान लीजिए 31 जनवरी है, अब मैं 31 जनवरी को फाइल नहीं कर पाया, मैं 7 फरवरी को भी फाइल नहीं कर पाया, तो क्या पेनल्टी लगेगी, फी लगेगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो दोस्तों मैं टैक्स फॉर वेल्थ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि सेक्शन 47 अट्रैक्ट होता है फी के लिए ऑफ सीजीएसटी एक्ट। 47(1) तो आपके 3B और 1 की पेनल्टी बताता है, फी बताता है, पेनल्टी नहीं फी बताता है। 47(2) बताता है कि अगर सेक्शन 44 की रिटर्न, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 44 की रिटर्न अगर फाइल नहीं होती, और सेक्शन 44 की रिटर्न है एनुअल रिटर्न, अगर सेक्शन 44 की रिटर्न फाइल नहीं होती तो ₹200 प्रतिदिन फी है, मैक्सिमम ऑफ क्वार्टर परसेंटेज ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। मतलब अगर आपका दिल्ली जीएसटीआईएन में 5 करोड़ का धंधा है तो ₹200 प्रतिदिन और मैक्सिमम क्वार्टर परसेंटेज ऑफ 5 करोड़, मतलब 0.25% ऑफ 5 करोड़। अगर आपका टोटल धंधा 100 करोड़ का है पूरे भारत में, लेकिन दिल्ली में 5 करोड़ रुपए का है, तो 5 करोड़ का 0.25% मैक्सिमम फी आप पर सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 में लग सकता है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक पॉइंट तो कहते हैं ना कि छोटा सा छोड़ दिया, 44 आपने जो कहा 44, उसका मीनिंग क्या था और कब कहेंगे कि 44 में रिटर्न फाइल हुई, ये आपने नहीं मेंशन किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा इसको। अब देखिए दोस्तों, सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न का सेक्शन है, 44(1) में कहता है कि सभी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, 44(2) में कहता है कि जिसकी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर
2 करोड़ से ऊपर होगी, जिसका ऑडिट सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 में होगा, उसको एनुअल रिटर्न के साथ, ध्यान रखिएगा दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूं, एनुअल रिटर्न के साथ उसको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जीएसटीआर 9C। इसका अर्थ यह हुआ कि जीएसटीआर 9C अपने आप में कोई कंप्लायंस नहीं है, जीएसटीआर 9C इज पार्ट ऑफ जीएसटीआर 9 ओनली। तो एक चीज बताया, मैं उतना कॉम्प्लेक्स ना करूं, क्या आपको लगता है जब मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया फिर से 9C भरवाना सही है टेक्निकली? वो सर देखिए उसका पर्पस डिफरेंट है, ऑडिट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज ऑल टुगेदर। बट जब मैं फिलहाल मैं आपसे ये कहूंगा सर कि 9 बिना 9C के 44(2) का कंप्लायंस नहीं है। अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर था, ऑडिट होना था, 9C भर दिया, 9C नहीं भरा, कंप्लायंस पूरा नहीं होता। यानी आपका कहने का मतलब है कि यहां कोई और पेनल्टी इंपोज हो जाएगी? देखिए मार्केट में र्यूमर्स यही है जो आपने जिक्र किया शुरुआत में कि क्या और भी कोई फी या पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। सेक्शन 47(2) की फी 200 रुपये प्रतिदिन की। सेक्शन 125 एक और है जो कि जर्नल पेनल्टी प्रिस्क्राइब करता है दोस्तों, उसकी भी पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। लेकिन हिमांशु जी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल को भी, कि ये जर्नल पेनल्टी तब तक इम्पोज नहीं हो सकती जब तक प्रॉपर ऑफिसर आपको शो कॉज नहीं करता दोस्तों। अगर शो कॉज नोटिस होगा उसके बाद ही वो पेनल्टी इंपोज हो सकती है, ऑटोमेटिक ये पेनल्टी नहीं है। फी जो है, फी 47(2) की 200 रुपये प्रतिदिन की फी जो है वो ऑटोमेटिक है, वो लगेगी। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो अदर कंप्लायंसेस के जो पेनल्टीज हैं वो ये वो आपको नोटिस सर्व करेगा 100%। जो ये चल रहा है कि दोनों लगेंगे, हाँ, दोनों आप एकदम मतलब कंफर्म कर रहे हैं इसमें किसी, देखिए क्योंकि हमारे पास बहुत व्यूअर है राजेंद्र जी, आप समझ रहे हैं, आपकी भी अपनी एक ग्रेविटी है, चैनल की भी अपनी ग्रेविटी, और हम वो इन्फॉर्मेशन वाले नहीं है कि हमने व्हाट्सएप पे दे दिया और गायब हो गए। नहीं नहीं सर, हर चीज के सोर्सेज है। तो ये चीज एक बार फिर से जरा क्लियर कर दीजिए कि जो आप कह रहे हैं उसका मतलब क्या, बहुत शॉर्ट और क्लियर। सेक्शन 125 की पेनल्टी जो 25,000 पर एक्ट है, मतलब 50,000 रुपया है टोटल, वो तभी लगेगी, ऑटोमेटिक नहीं लग सकती, अपने आप नहीं लग सकती, जब तक आपका प्रॉपर ऑफिसर, ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस नहीं देता, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देता, सेक्शन 73 या 74 में आपका टैक्स डिटरमाइन नहीं करता, तब तक ये पेनल्टी नहीं लग सकती है दोस्तों। चलिए, तो कहने का मतलब कि हमने 9 और 9C को समराइज करने की कोशिश की और जो फैला हुआ रहता था उसको बिटोरने की भी कोशिश की। और आप जरूर जो राजेंद्र जी कह रहे हैं, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है बहुत क्लियर, आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के उसके स्पेसिफिक आंसर राजेंद्र जी से लेंगे, मेरे से नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट ये हैं जीएसटी के और यही जीएसटी की बातें करेंगे। तो अगर कोई लगता है कि कोई भी ऐसा कंफ्यूजन पॉइंट या किसी भी तरह की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको इन्फॉर्मेशन मिला और वहाँ पे किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे आप हमसे कनेक्ट होकर वहाँ पे रिप्लाई ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, आप आए और अपना समय दिया। थैंक यू सर।